राधे राधे, आप सभी को जय माँ भगवती। तो कल अक्षय तृतीया है, तो कल सुबह सुबह पॉसिबल नहीं है शॉपिंग करने जाना, तो इसलिए मैंने आज ही ख़रीदा। और आज का दिन भी अच्छा है, शुक्रवार है, तो इसलिए मैंने आज ही जो कुछ भी लाना था थोड़ा बहुत मुझे मार्केट से, तो थोड़ा बहुत ही लाए हैं, क्योंकि ज़्यादा शॉपिंग नहीं करते हम अक्षय तृतीया में। तो थोड़ा बहुत जो ज़रूरी का सामान था वही हम लेके आए हैं, तो हम आप लोग को बताते हैं। तो सर्वप्रथम एक लुक देख लीजिए सारे सामग्री का जो कि हम लेके आए हैं। तो नॉर्मल सा ही पूजा करते हैं हम, तो दिखाते हैं उसी अनुसार। तो पहले तो हम सोचे थे कि पहले का ही वस्त्र पहना देंगे भगवान जी को, और हम अपने हाथ से ही वीडियो शूट करें एक हाथ से। तो प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा अगर वीडियो अच्छा से ना बने तो। तो पहले तो हम सोचे थे कि पुराने कपड़े ही अच्छे से उनको ये करके पहना देंगे जन्माष्टमी वाला, लेकिन फिर मेरे पास फैब्रिक बच गया था जो कि नवरात्र में भगवती के लिए बनाए थे, उस कपड़े का कुछ कपड़े बच गए थे। तो इसके लिए मैंने फिर से कान्हा जी के लिए भी तैयार कर दिया युगल सरकार के लिए। तो ये मैंने साड़ी बनाया है फर्स्ट टाइम राधा रानी के लिए। तो ये साड़ी है, सिल्क की साड़ी है, तो इसमें बॉर्डर वॉर्डर बना होता है, तो लगाने का कोई ज़रूरी है नहीं इसमें। और ये पल्लू है, देख सकते हैं, और ऊपर से मैंने मोड़ के सिल दिया है, तो ये राधा रानी का हो गया। और थोड़ा सा काम अभी इसमें बाकी है, इसका चोली नहीं बना है, तो बनाएंगे अभी फ्री होकर के, खाना वाना खा के फिर वो काम कंप्लीट करके फिर सोएंगे। तो ये हो गया। और ये हमारे कान्हा जी का धोती है, तो धोती थोड़ा सा बड़ा है बन गया है इसका, धोती थोड़ा छोटा बनाना चाहिए क्योंकि पैर का दर्शन कराया जाता है अक्षय तृतीया के दिन प्रभु का। तो देख लीजिए यही है, तो इसको पीन से ये करके उनका पांव हम कोशिश करेंगे कि ये आज दिखे। और उनका जो विग्रह है काफ़ी छोटा है युगल सरकार का, तो ये हो गया। और फैब्रिक जो है सो था, बट उस टाइप से नहीं बचा था, थोड़ा सा अजीब ही था, तो इसलिए मैंने दूसरे कपड़े का ये पटका बना दिया कन्हैया जी का। तो बस वही, और इसमें बस सब बच गया है डोरी लगाना और चोली बनाना, तो हम बनाएंगे। तो ये ड्रेस है, और बाकी ज्वेलरी अभी हम निकाल के रखे हैं, बाकी हम सिंगार उनका जब करेंगे तो आप लोग को दिखा ही देंगे। तो ये हो गया, पूजन में क्या ज़रूरी होता है वो दिखाते हैं। तो हमारे यहाँ पे शीतला अष्टमी के दिन ही मिट्टी का घड़ा खरीदे जाते हैं, बट हम खरीद नहीं पाए थे उस टाइम, गांव में थे तो लेके आए हैं। तो इसी घड़ा का कल पूजन करेंगे, इसी में पानी रख के प्रभु के सामने रखेंगे, और ये ढक्कन है, और फिर उसके बाद इस्तेमाल करेंगे हम पानी पीने के लिए। तो फ्रिज का पानी हम नहीं पीते हैं, और अभी गर्मी के टाइम में काफ़ी गर्म हो जाते हैं जो भी बर्तन में पानी डालते हैं वो, तो इसके लिए हम लेके आए हैं। और ये ढक्कन है ऊपर से डालने का। तो पिछले बार जो हम लेके आए थे उसमें नल लगा था, और उसका नल इतना हार्ड था ना, किसी काम का नहीं था, बहुत प्रॉब्लम हुआ, तो इसलिए नॉर्मल सा घड़ा लेके आए हैं इस बार। और अकेले ही हम रहते हैं तो पर्याप्त है मेरे लिए पूरे दिन के लिए, ये 5 लीटर इसमें पानी आ जाते हैं तो इसके लिए। तो ये हो गए। और काफ़ी एक्सपेंसिव मार्केट में जो भी कुछ भी खरीदो ना तो वो होते जा रहा है, तो मन उदास हो जाता है। और ये एक सत्तू का पैकेट लेके आए हैं, कल भोग लगेगा प्रभु को। और बाकी कुछ भी हम नहीं खरीद पाए, तरबूज खरबूज ये सब चढ़ाए जाते हैं, पंखा भी खरीदे जाते हैं, तो सब हम लेके नहीं आए, नॉर्मल सा ही हम पूजन करेंगे। और ये गोपी चंदन है, बाकी चंदन का लकड़ी भी हम लेके आए हैं, लेकिन हुआ क्या ना कि हम पाटा लेना ही भूल गए, जो कि ये देखिए दो चंदन का लकड़ी, लेकिन वो पाटा होता है ये घिसने का, जिस पे ऐसे ऐसे करके घिसा जाता है, तो वो पाटा हम नहीं लाया। तो घर में टाइल्स का टुकड़ा होगा तो उसी पे देखेंगे घिस के, नहीं तो सिलवट्टा है तो उस पे उसको धो करके उस पे घिसेंगे। तो ये ही है चंदन की लकड़ी, और काफ़ी ज़्यादा इसका सुगंध है, मतलब कि हाथ से छूने पे भी ना एकदम हाथ में स्मेल इतना अच्छा आ रहा है ना इसका, मैं क्या बताऊँ। तो यही दो लकड़ी लेके आए हैं, तो एक जो है सो हम अपने जो अलमारी है उसमें रखेंगे दिवाली के पूजा के लिए, और एक हम इस्तेमाल करेंगे घिसने के लिए। और ये बहुत पर्याप्त है, ये
इस ये बहुत दिन चल जाएगा एक लकड़ी का टुकड़ा, तो इसके लिए दो लेके आया। और काफ़ी एक्सपेंसिव ये भी है। तो ये हो गए। और बाकी मैंने, मेरे पास कांसा का बर्तन, जो कि फूल हमारे यहाँ बोलते हैं फूल का बर्तन, वो तो काफ़ी है, लेकिन ये और ये नथ हमने ख़रीदा नहीं है, ये भगवती का ही नथ है। हमारी जो भगवती हैं उन्हीं को हम धारण कराते हैं गोल्ड का नथ। तो दो नथ है हमारे पास, एक गांव की जो पिंडी रूपी भगवती हैं उनके लिए, और एक जो हमारे यहाँ हम विग्रह का सेवा शहर में ला के करते हैं, एक उनका है। तो देख सकते हैं ये नथ है, हमने बनवाया था उनके लिए। तो यही निकाले हैं, इसी का पूजा कल करेंगे। और ये पहने भी नहीं है, तो इस पर गंगाजल छिड़कने का कोई ज़रूरत नहीं है, ये तो भगवती ही धारण करती हैं। तो गोल्ड का कुछ नहीं खरीद के लाए, पहले का ही है। तो ये यही नथ है, इसी का पूजन कर देंगे, क्योंकि पूजन करना गोल्ड का ज़रूरी होता है। तो यही नथ है, तो इसको हम साइड कर देते हैं। और एक ही नथ निकाले हैं, एक ही इसी का बस पूजन हो जाएगा। और हमने ख़रीदा क्या है, तो हमने ख़रीदा है ये डिनर सेट। तो काफ़ी महंगा ये डिनर सेट आता है, इसलिए ना एक एक सेट करके हम ख़रीद रहे हैं। दो सेट हमने पहले ख़रीदा था, तो उसमें भी दो कटोरी, एक छोटा प्लेट, एक चम्मच और एक ग्लास करके, और एक तो उस टाइप से मैंने ख़रीदा था। उसी तरीके से मैंने दो और ख़रीदा है, तो दो दो तीन तीन महीने पे हम ख़रीदते रहते हैं। और दो प्लेट हम ऑर्डर किए हैं ऑनलाइन, देखते हैं कैसा आता है। तो अभी हम आप लोगों को बताते हैं इसमें हुआ क्या लोचा। तो ये जो है ना, ये मेरे को मिला 320 का एक कटोरी मिला पहले ख़रीदे तो। और ये ग्लास भी 250 रुपये का शायद आया था उस टाइम, या 300 रुपये का एक आया था। और ये 500 रुपये का एक प्लेट है ये, तो काफ़ी एक्सपेंसिव है ये। और काफ़ी अच्छा लगता है मुझे ये डिनर सेट का डिज़ाइन, इसलिए हम 6-6 मेरे को करना है। तो अभी 4-4 तो हो गए हैं, अभी जल्द ही 6 भी हो जाएंगे। तो ये चम्मच है इसका, और ये 1050 का ये प्लेट आया था, ये 3-4 महीने पहले जब मैंने ख़रीदा था उस टाइम का। और अब भी क्या लोचा हुआ वो हम आपको बताते हैं, इसको साइड कर देते हैं पहले। तो अब भी लोचा ये हुआ ना कि ये देखिए, ये जो मैंने लेके आया, तो ये 350 का एक कटोरी आया ये, और लोकल मार्केट था तो क्या ही मैं ये करूँ, और मेरे को लेना भी था तो ये काफ़ी महंगा आया। तो दो कटोरी ये था, और प्लेट हम एक बार में ही 3 लिए थे और ऑनलाइन मंगवाए थे, ये 1500 का 3 आया था। तो ये लोकल मार्केट का नहीं है, लोकल मार्केट में तो 550 रुपये बोल रहा था एक का। तो ये प्लेट है, तो इसको साइड करते हैं, हम अभी बताते हैं इसका। और ये चम्मच भी हमने ऑनलाइन ही मंगवाया था, तो ये आए थे शायद 400 रुपये का, 4 आए थे ये। तो इसको साइड करते हैं और ये दिखाते हैं। ये देखिए, ये 1350 रुपये का ये थाली मिला मेरे को, और वो 3-4 महीने पहले जब हम ख़रीदे थे तो वो मिला मेरे को 1050 का। तो इतना ये लोग ये करते हैं, मतलब इतना दिन में इतना रेट चढ़ा देते हैं। और ये दोनों जो है सो एक ही शॉप का है। और ये ग्लास मेरे को 350 रुपये का मिला, इसमें 50 रुपये बढ़ा दिया। और इस कटोरी में भी 50-50 रुपये ऐसे करके, मतलब मान के चलते हैं ऐसे बढ़ा दिया। तो इतना ये लोग ये करते हैं, उतना करना नहीं चाहिए। और इतना महंगा ब्रास है नहीं, और इसका बस डिज़ाइन है इसके लिए शायद हो सकता है, बट ठीक है। एक एक करके ऐसे ले रहे, तो काफ़ी महंगा सब होते जा रहा है। तो मेरे को बहुत पसंद है ऐसे एंटिक चीज़ों का, और मेरे पास ब्रास का बर्तन बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि मुझे ब्रास का बर्तन और फूल का बर्तन ये सब मुझे बहुत पसंद है। और हम थोड़ा सा वो पुराने चीज़ों को ना ज़्यादा यूज में लाते हैं, जैसे मिट्टी का घड़ा हो गया, तो ये सब। तो चलिए, सभी को यही जो भी शॉपिंग था यही था, ज़्यादा कुछ भी मैंने नहीं ख़रीदा है। तो सभी को अक्षय तृतीया,
परशुराम जयंती और चंदन यात्रा की बहुत बहुत बधाई। आप लोग अच्छे से सेलिब्रेट कीजिए, अच्छे से प्रभु का श्रृंगार कीजिए। और यही है चंदन, अगर आप लोग चाहे तो ले सकते हैं चंदन की लकड़ी। तो मेरे को ज़रूरी था, काफ़ी दिनों से सोच रहे थे इसलिए लिया। तो चलिए अब एंड करते हैं। जय माँ भगवती आप सभी को।